हेलो फ्रेंड्स, आज है होली तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। इसके लिए मैंने चॉप करके रख लिया है, हरी मिर्च है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, चॉप करके रख लिया। मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे बनता है। और आज की दूसरी रेसिपी है हमारी पनीर, मटर पनीर की सब्जी, जिसके लिए भी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि कुकर में हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पहले कटहल को फ्राई कर लेंगे। अभी देखिए कटहल में फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको निकाल दूंगी, फिर मैं प्याज लहसुन वगैरह डालूंगी। अब एक साइड में हम अपने कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं, ताकि पनीर की सब्जी भी साथ में बनाते रहें। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। थोड़े से खड़े मसाले भी हम ऐड कर देंगे, दालचीनी है, काली मिर्च है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हम पकने देंगे। और हमारा कटहल भी फ्राई हो चुका है, इसलिए अब हम अपना कटहल निकाल देंगे। तो फ्राई हो चुका है। हाँ बेटा बोलो, ले लूँ अभी आ रहा हूँ। इधर ये मेरा मसाला हो चुका है, अब इसमें हम सब ऐड कर देंगे। इसको भी लाइट ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। अब हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे इसमें। तेल गरम हो जाए, अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे कटहल की सब्जी में। दो पत्ते तेज पत्ता हम डाल देंगे। जीरा हमारा हो गया है, हम एक जो चॉप किया हुआ प्याज था अब उसको ऐड कर देंगे। देखिए हमारे कटहल की सब्जी के लिए प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, और जब पनीर का भी हो रहा है, अभी हुआ है हल्का। हो चुका है, अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार, और ये वही मसाला जिसको मैंने मिक्स करके रखा है। इसमें हल्दी, वो धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा गरम मसाला है। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, इसे हम भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए कि मैंने थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया है, इसे फ्राई हो जाए। और ये मसाला भी मेरा प्याज तैयार हो चुका है, अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और नमक, ताकि ये जल्दी से
गल जाए। हमारा टमाटर भी गल रहा है और ये हमारा लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मटर डाल देंगे कटहल की सब्जी में। मसाला हमारा तैयार है, इसमें मैंने जो फ्राई किया है वो कटहल डाल दूंगी। अब इसमें हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देंगे, भून लेंगे अच्छे से ताकि इसका मसाला सब मिक्स हो जाए। इसमें पानी डाल करके और इसको हम बंद कर देंगे। तब तक ये हो रहा है तब तक हम अपने पनीर की सब्जी के लिए देख लेते हैं। टमाटर हमारा गल चुका है, अब इसे हम थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। डाल के मैंने कुकर को बंद कर दिया है और इस मसाले को मैं मिक्सी में पीस लूंगी। देखिए ये पीस चुका है हमारा मसाला। अब हम फिर से कढ़ाई को ऐड तेल गरम करेंगे। इसमें हमारा थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, अब इसमें हम एक चम्मच और तेल डाल देंगे। देखिए तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा हो रहा है। अब इसमें हम पीसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। तो ये जिसमें लगा हुआ है इसको थोड़ा सा पानी डाल के ये देखिए इसको जो हम फ्राई करेंगे। तब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम अपना इसमें कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, सब्जी मसाला और मटर पनीर मसाला, लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसको पानी डाल करके इसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से घोल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मसाला हमारा फ्राई हो चुका है और इसमें हम ये अपने बनाए हुए मसाले को जो हमने पानी करके बनाया था उसको जैसे ही चला करके हम कर देंगे। इसे भी हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। अच्छे से भून लेंगे इसको। साइड से तेल छोड़ने लगा ये। अब इसमें हम मटर ऐड कर देंगे। अच्छे से पकाएंगे। इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे।
इधर देखिए मैंने पनीर को काट लिया है और थोड़ा सा पनीर मैंने कद्दूकस कर लिया है। और तो पहले हम इसको कद्दूकस की हुई पनीर को इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम अपने ये कटे हुए पनीर को ऐड कर देंगे अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए हमने पानी डाल दिया है। इसे हम ढक करके पकाएंगे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। जा रहे हैं उड़द की कचौड़ी और जिसके लिए हमने भिगा के रात में इसको रख लिया था, ये फूल चुका है। अब इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। थोड़ा सा हमने पीस के भी रखा है, ये देखिए ऐसा हो गया है। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अभी पहले पीस ले। देखिए हमारी कटहल की सब्जी मस्त तैयार हो गई बनके। देखिए उड़द को मैंने फ्राई कर लिया है, मेरा आटा भी रेडी है हमारा। और इसको हम लोग भर भर के उसके बाद तलेंगे। तेल गरम हो चुका है।